वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल, माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, इसकी अपडेट मैं आपको 18 तारीख से पहले दे चुका हूँ। आप सभी जानते हैं 18 तारीख से पहले मैंने आपको बता दिया था कि LPSC इसरो में आप लोगों के लिए वैकेंसी आने वाली है। 18 तारीख को डिपार्टमेंट जो है अपनी साइट पर अपडेट कर देगा। डिपार्टमेंट ने साइट पर अपडेट कर दिया है, अब आप इसका फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिल कर सकते हैं। जिस जिस स्टेट का मैं नाम इस नोटिफिकेशन से लूँगा, तो प्लीज़ आप सबको यही सजेशन है कि मौका इसका मत छोड़ना। आपको पता है DIDO की वैकेंसीज है, आ रखी है 26 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया उसका, आप तैयारी में लग जाओ। और अगर आपने DIDO का फॉर्म फिल करा तो इसका भी फॉर्म फिल करो यार, मौका मत छोड़ो। क्योंकि अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इस डिपार्टमेंट की तैयारी भी आपके अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा आपके लिए PCL की वैकेंसी आने वाली है, पॉसिबिलिटी है 27 तारीख को नोटिफिकेशन साइट पर आने की। तो जैसे ही नोटिफिकेशन अपडेट होता है, आई प्रॉमिस कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपडेट कर सकूं। यहां पर देखो भाई, वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है क्या पता उनमें से आपका यहां पर एक सीट हो। सो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं हटा सकता। अगर आपकी तैयारी अच्छी तो डेफिनेटली आपको उसका आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पर तैयारी में आप लग जाओ। सैलरी स्ट्रक्चर भी इसमें आपका अच्छा होता है, नौकरी है, अप्रेंटिसशिप नहीं है ये, ठीक है। देखो भाई, मैं साफ साफ बोलूँगा, अगर आपका कोई भाई है, आपका फ्रेंड है, आपका कोई भी साथी है, अगर वो ITI करने की सोच रहा है ना, तो उसको एक ही सलाह दें कि भाई ITI NCVT से मत, NCVT से कर, SCVT से मत कर, ठीक है। क्योंकि यार देखो, मैंने अभी तक देखा है ना, 80% जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है ना, वो NCVT वाले बच्चों को दी जा रही है, और जो SCVT वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कम ही चांस दिया जा रहा है। यहाँ पर SCVT वाले बच्चे अप्लाई तो कर सकते हैं, बट उनको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए, उनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकते। बाकी मैं मिला जुला कर यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो मौका दिया है वो दिया है NCVT वाले बच्चों को। तो भाई देखो, NCVT में उन्होंने एडमिशन लिया था, इस वजह से उनको आउटपुट मिला। पिछले साल मैंने बहुत बच्चों का SCVT से हटाकर NCVT में यहाँ पर एडमिशन के लिए बोला, बहुत बच्चों ने NCVT लिया, तो उनको भी बेनिफिट यहाँ पर मिला, ठीक है। कल वाली वीडियो आपने देख ली होगी, जिस बच्चे की मैंने अप्रेंटिसशिप लगवाई थी, उस बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, चीज़ें सिखाई जा रही है बट इस तरीके से नहीं सिखाई जा रही कि उसको प्रॉपर ज्ञान मिल जाए। लेकिन जितना भी सिखाया जा रहा है उसको पे आउट के साथ, और उस बच्चे को हॉस्टल भी मिला, आपने देखा होगा, उस बच्चे ने अपने मुँह से ही बताया था, ठीक है। तो जितना बेनिफिट, मैं देखो रियलिटी छुपाऊंगा नहीं, जो चीज़ थी उस बच्चे ने मेरे साथ वीडियो शेयर करी और मैंने आपके साथ शेयर करी, मैंने कोई भी कट नहीं लगाया वीडियो में, जो रियलिटी थी वो आपके सामने पेश कर दी। अगर वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन से आप देख सकते हैं वो वाली। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करूँगा, इसके चिंता मत करें। ग्रुप रेडी हो गया है फेसबुक का, आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं अप्रूव करूँगा, हर किसी को अप्रूव नहीं करूँगा। मुझे लगा कि हाँ बच्चा ये इंटरेस्टेड है तो उसको मैं अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक मिल जाएगा, जाकर आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। सारे तो अप्रूव मैं नहीं करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ ही अप्रूव करूंगा, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आप जो है फेसबुक ग्रुप में फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के कुछ ट्रेड्स के क्वेश्चन पेपर है, जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ मैंने जो है DIDO की तैयारी के लिए, इसरो की तैयारी के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल परचेज वाला दे रखा है वो भी आप ले सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो फ्री वाले हैं वो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिटर की ट्रेड देखी, तो यहाँ पर 10 वैकेंसी दे रखी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 4 है, RNAC की 1 है। मैं जानता हूँ बहुत बच्चे परेशान होंगे कि सर हमारे लिए तो 1 ही निकाली है, तो भाई देखो इसमें हम कुछ तो कर नहीं कर सकते, हम आपको अपडेट दे सकते हैं। जितनी डिपार्टमेंट ने निकाली है उसी के बेस पर देखो रिक्वायरमेंट होती है वो निकालते हैं। मुझे पता है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बट ये निकालते नहीं है चीज़ों को, ऐसा क्यों करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन 10वीं पास ITI NCVT से उसी ट्रेड में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। टर्नर 3 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 1 वैकेंसी है, वेल्डर की 1 वैकेंसी है, उसके बाद प्लम्बर है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका मैकेनिकल में रोड्समैन मैकेनिकल आपका चल जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर आई थिंक रोड्समैन और ऊपर वाला जो पार्ट मैंने दिखाया है सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम सैलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये इनके कोड भी आप देख लेना, जो कोड साइड में दे रखे हैं इसी के बेसिस पे आपको जो है पोस्ट कोड डाल के अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ आपको फॉर्म की भी मिल जाएगी यूट्यूब पर, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपके लिए अपडेट कर दूं, क्योंकि फॉर्म की वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं सारा मटेरियल गैदर करने में, तो उस टाइम को मैं देखूंगा, अगर मैनेज हो पाता है तो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स की वीडियो मैं पीछे नहीं लेकर आ पाया, BRC की नहीं लेकर आ पाया, रेलवे की नहीं लेकर आ पाया, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाया इस वजह से वो चीज़ छूट गई। ठीक है, लाइट व्हीकल है, आप जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 10वीं पास मांगा है सिंपल, लेकिन 3 साल का अनुभव मांगा है लाइट आपका जो है व्हीकल ड्राइवर में, 3 साल का। उसके बाद यहाँ पर ये पोस्ट कोड आप देखते रहे साथ में, कैटरिंग अटेंडेंट है। देखो भाई, SCVT वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर एक मौका दिया गया है, वो बच्चे नॉन IT के बेस पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर एक पोस्ट है कैटरिंग अटेंडेंट की, इसका भी क्वेश्चन पेपर आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाना, अगर नहीं मिल पाता तो मुझे कमेंट करके बताना, कल एक सिंपल मैं क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो बना दूंगा, कल आपको मिल जाएंगे। वैसे फेसबुक ग्रुप पे मैंने सारे के सारे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कैटरिंग अटेंडेंट में सिंपल 10वीं पास और कुछ नहीं मांगा। नहीं, कुछ यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं कि आप देख सकते हैं कि 7/02 से 7/11 के लिए उच्च आयु सीमा 2/7/2019 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, जो रखी है 35 साल, और मिनिमम जो है 18 साल। 7/1/2 के लिए 25 वर्ष होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, 25 साल मैक्सिमम। कोड देख लें आप, इससे इस तक जो कोड है उसके लिए आपकी मैक्सिमम एज 35, लेकिन जो कोड सिंपल एक रखा है इसके लिए रखिए 25 साल मैक्सिमम। एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC को तीनों को दिया जाएगा एज पर दी रूल्स। ये आप देख सकते हैं कुछ इन्होंने यहाँ पर रिलैक्सेशन के क्राइटेरियाज दे रखे हैं। नीचे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दूँ। यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देख लें आप ये क्या क्राइटेरिया, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ पाता तो मुझे बताना। नीचे और भी कुछ है, यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस देखो भाई, इसमें आपका होगा रिटर्न एग्ज़ाम। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, 60% लाते हैं, तो डिपार्टमेंट आपका जो है शॉर्टलिस्ट करने की सोचेगा, और यहाँ पर जो है फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। स्किल टेस्ट में अगर आप दूसरे स्टेट से जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट आपको फ़ी भी देगा, जो भी आपकी फ़ी लगती है यहाँ पर इन्होंने समझा रखा है, जितने भी आपके चार्जेस लगते हैं, जो मिनिमम किराया वो आपको मिल जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ी का मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि लड़कियों को यहाँ पर मौका दिया, फ़ी कोई नहीं लगेगी, लेकिन साथ में SC ST वालों को भी फ़ी में यहाँ पर छूट दी है। जो फ़ी लगेगी वो लगेगी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चों की और OBC कैटेगरी के बच्चों की, जो है 150 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 18 से आप स्टार्ट हो गए, आपको पता ही है, 2/7/2019 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी 2 तारीख जो आने वाली है, देख लेना इस चीज़ को, ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि किसी चैनल पर एक वीडियो अच्छे तरीके से अपलोड हो रखी है फॉर्म की, आप फॉर्म को फिल कर लो। इस बार आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप जो है पूरा डिपेंड मेरे पे बत रही है फॉर्म के लिए, आप दूसरे चैनल्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको जो है फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो पा रही है कि मैं जो है रेगुलरली नहीं बोल पा रहा हूँ चीज़ों को, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से जो है नहीं मैं जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलरली नहीं बोल सकता, टुकड़ों में वीडियो बनाने पड़ रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा जैसे ही मैं क्योर हो जाता हूँ वैसे ही मैं आपको चीज़ें टाइमली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ें थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। एक चीज़ आपको बतानी है, ये को भाई ये जो पोस्टिंग होगी वो आपकी तिरुवनंतपुरम में होगी। आपको पता है तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरला में। केरला में पोस्टिंग होने के पूरे पूरे चांस हैं, बाकी डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट की वेयर दे गिव यू द पोस्टिंग। ठीक है, बाकी ये सारा क्राइटेरिया उन पर रहता है। ठीक है, बाकी जो भी आपको डाउट रहता है मुझे बताइए। अगर आपका ITI कंप्लीट नहीं हुआ, ये चीज़ का ध्यान रखें, अभी आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर आपका ITI कंप्लीट है तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। पहले नंबर पे मैंने आपको दे दिया यहाँ पर किसका लिंक, पहले नंबर पे ग्रुप का लिंक दिया फेसबुक का, दूसरे नंबर पे इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट साइट है उसका लिंक दे दूंगा, चौथे नंबर पे जो भी स्टडी मटेरियल मेरे पास पड़ा है जो आप परचेज करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। पहले नंबर पे अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं अप्रूव करूंगा, फिर आप फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिर जो है मैं आपको जो है यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, आपको खुद ही मिल जाएगी। मैं सबको ऐड करना नहीं चाहता ग्रुप में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों को परेशान करेंगे, इस वजह से मैंने हर किसी को ज्वाइन करने की यहाँ पे नहीं सोची है। जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, एक ग्रुप बनाइए, एक यूनियन बनाइए, तो वो चीज़ मैंने क्रिएट कर दी है। वहाँ पर मेरी भी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी फेसबुक की, आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर अपडेट नहीं करी है, कहाँ मैं काम करता हूँ मैंने अभी पूरा अपडेट नहीं किया है, कंपनीज चेंज कर दिया है, तो ये चीज़ें आपको जो प्रॉपर अपडेट नहीं मिलेगी।
ठीक है, मेरे बारे में कमी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ग्रुप ज्वाइन आप करें, वहाँ पर आपको आप ही के जैसे बच्चे मिलेंगे जो आपके क्वेश्चंस के आपको जवाब दे देंगे। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। कमेंट के जवाब भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, रीज़न आपको मैंने बता ही दिया है क्यों। और बाकी यही बोलता हूँ कि प्लीज़ उन बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कर दो जो बच्चे इस तरीके की नौकरी की तलाश में है। DRDO का मौका है, ISRO का मौका है, आपका PSPCL का मौका है, BRC जो लास्ट गई है इसका मौका है, तो ऐसी चीज़ों के मौके मत छोड़ें। रेलवे की अप्रेंटिसशिप भी अभी रिसेंटली आई है, उसका फॉर्म फिल कर दें, आई थिंक SCER करके, तो उसका भी आप देख लें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पहले कमेंट में भी मैं आपको ग्रुप लगा के दे दूँगा। धन्यवाद।